वहीं दूसरी तरफ हम आपको आज दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में किस तरह से दीपावली आज मनाई जा रही। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता फरमान अब्बास जुड़ गए हैं, जबकि जमील अहमद वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे फरमान का। फरमान, अब शाम का वक्त हो चुका है, जो मुहूर्त बताया गया था उस मुहूर्त के मुताबिक अब पूजा भी हो गई है, दिए जलने भी शुरू हो चुके हैं। क्या रौनक आप देख रहे हैं लखनऊ में आज दीपावली की? देखिए, पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पूरा लखनऊ शहर रोशनी से जगमगा रहा है। ये गोमती नगर का इलाका है, आप देख रहे होंगे कि झालरों से ये रोशनाई की गई है, रोशन है यहाँ पूरा शहर। और सबसे अहम बात है ये है कि मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ वहाँ पर 15,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे। ये जिस तरह से अयोध्या में जो राम की नगरी कही जाती है और जो लखनऊ है वो लक्ष्मण की नगरी है, तो लक्ष्मण की नगरी में भी आज 15,000 दीपक यहाँ पर एक साथ जलाए जाएंगे। आपने देख रहे होंगे कि ये दीपक हैं और जलने दीपक शुरू हो गए हैं। हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें यहाँ से सीधी, जो लखनऊ का गोमती नगर इलाका है, यहाँ पर जो 15,000 दीपक एक साथ जलाए जाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं किस तरह से दीपक जलाए जा रहे हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत की गई है। जो यहाँ एक सोसाइटी है उसके जो सचिव है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके मन में ये ख्याल कैसे आया, चूंकि 15 से 17 लाख दिए एक साथ अयोध्या में जलाए गए और यहाँ पर लखनऊ में 15,000 दिए वो एक साथ जला रहे हैं। ये बताइए कि आप जो यहाँ पर 15,000 दिए आपने एक साथ जलाने का फैसला लिया, पूरी सोसाइटी के लोग शामिल रहे, कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, कैसे ये ख्याल मन में आया कि यहाँ पर 15,000 दिए एक साथ जलाए जाएं? सर, मुझे पहले तो आप लोगों को नमस्ते करता हूँ। और मैं एक्चुअली अयोध्या में जब भी दीपोत्सव हुआ है मैं 3-4 बार से जाता रहा हूँ, तो वहाँ भी जैसे ही मैंने दीपोत्सव में गया तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं मैं अयोध्या तो अयोध्या है ही है, क्यों ना लखनऊ को मिनी अयोध्या बना दिया जाए। तो वो जो मेरे मन में विचार आया, उस विचार से मुझे लगा कि अगर यहाँ 15 लाख दिया जल सकती है, तो हमने लोगों पिछले साल हमने 3,000 जलाया था, लेकिन इस बार जब वहाँ के 15 लाख का नाम आया तो मुझे लगा कि हमको 15,000 जलाना चाहिए। तो हमारे रोहिणी वासियों ने इसको संकल्प लिया और हमारा पूरा साथ दिया, अध्यक्ष महोदय ने और सबने मिलकर इस पूरे रोहिणी, मैं तो पूरा श्रेय रोहिणी वासियों को देता हूँ कि उन्होंने पूरा ये कवर किया कि भाई हम भी 15,000 दिया जलाएंगे, जब वहाँ जल गई है तो हम यहाँ भी जलाएंगे। तो लखनऊ में मतलब जो दिया है ये पहली शुरुआत है, हमको लगता है कि हमको इसको ये जो पूरा विस्तार है ये मिनी अयोध्या जैसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ जितने अपार्टमेंट्स हैं उनके नाम नदियों के नाम पे हैं, तो हम क्यों नहीं इसको मतलब 60 फीट जो रोड है इसका 1 किलोमीटर का पैसेज है और इसको वो करके हम लोग 1 लाख दिया जला सकते हैं अगर हम। बिल्कुल, तो आप शैलेंद्र, आपने देखा सुना होगा कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं उनका किस तरह से जज्बा है और वो कह रहे हैं कि इसको जो लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ उसको मिनी अयोध्या बना दें, इतने दीपक जलाएं कि यहाँ भी पूरा शहर उससे जगमग हो जाए। आप देख रहे होंगे ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो 15,000 दीपक जलाने की शुरुआत हो चुकी है। लोग जो बच्चे हैं वो भी इसमें वॉलंटियर के तौर पर दीपक जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं। अभी ये एक साथ लाइन से तकरीबन एक 200 मीटर से ज़्यादा की दूरी होगी कि वहाँ तक ये दिए बिछाए गए हैं और उनको जलाना शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे जो बच्चे हैं आप देखेंगे तस्वीरों में कि वो दीपक जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, और ये जज्बा है और ये एक तरह से कहा जाए कि जो त्यौहार का उत्साह है वो लखनऊ के ऊपर बिल्कुल चढ़ा हुआ है। शैलेंद्र, पूरे शहर को सजाया गया है, जो इमारतें हैं, जो गगनचुंबी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, जो नया लखनऊ बसा है वहाँ पर भी बिल्डिंगों को सजाया गया है। इसके अलावा जो पुराना लखनऊ है, पुराना शहर है, वहाँ पर भी रोशनाई जगमगा रही है। परंपरागत तरीके से ये जो दीपावली का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। और ख़ास बात आज की इस लखनऊ शहर की यही है कि जो 15,000 दीपक हैं वो यहाँ पर एक साथ जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, सभी घरों में उनको सजाया गया है, बल्कि जमील भी लगातार बने हुए हैं। जमील, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वाराणसी में आज क्या कुछ रौनक देख रही है? बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ का दरबार है, और यहाँ की रौनक तो दीपावली पे बिल्कुल अद्भुत होती है, देव दिवाली पर तो चमक अलग होती है, लेकिन आज जब दीपावली है तो काशी किस तरह से जगमगा रही है? बिल्कुल, काशी विश्वनाथ की नगरी कही जाती है बनारस, और बनारस में जिस तरीके से दीपावली का दरबार यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है, लगातार यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं और तैयारियों को
देव दीपावली तक तैयारी की जाती है, और ताकि जो बनारस की जो पहचान है, बनारस की जो दीपावली है, उस तक बनारस की जो खुशियाँ, कहा जाता है कि 7 बार 9 त्यौहार बनारस में देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज दीपावली का जो दिन है बनारस के लिए बेहद खास है। और हम ऐसे जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान है जो अपने घर से दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दीपावली किस तरीके से मना रही है, तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को लोग मिठाई खिला रहे हैं, यहाँ पर कुछ संक्रांत लोग हैं, कुछ गरीब पत्रकार भी यहाँ पर पहुँचे हुए, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को मिठाई खिलाकर दिवाली की मुबारकबाद दी जा रही है, बधाई दी जा रही है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि घरों से दूर होकर भी लोग दिवाली किस तरीके से मना रहे हैं वो बनारस में देखने को साफ मिल रही है। बनारस उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस है, वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ बांट रही है। आइए जान लेते हैं बिल्कुल दीपावली तो करती है, लेकिन सबसे ज्यादा फिर हम लोग घर से भी करते हैं, क्योंकि दीपावली जो हम लोग बचपन में थे एक उत्साह बना रहता था कि त्यौहार आने वाला है, नई चीजें मिलेंगी, पटाखे जलाएंगे, लेकिन अब ईश्वर ने और अगर सरकार ने एक दायित्व दिया है तो उसको निभाना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। आप सभी लोग जो भी हमारे क्षेत्रवासी सभी परिवार हैं हमारे, उनके साथ ही हम हाथ धो करके और सारी खुशी में आपस में बांटते हैं, जिससे एहसास होता है कि परिवार को जुड़ते हैं। बिल्कुल, एक बात और बता दूँ कि डिजिटल इंडिया चल रहा है और अभी दरोगा साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने परिवार वाले से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे, बहुत यूज कर रहे हैं, उनके बच्चों को देख रहे हैं वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल यही लगता है कि सबसे पहले खुल जाए, लेकिन ये जिम्मेदारियों का नहीं जाने दे रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग और प्रेम मिलता है इसी के सहारे कटे हुए हैं वहाँ के कटे रहे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस बनारस की जो सलमान भी जुड़े हुए हैं, जमील वाराणसी की आपने तस्वीरें दिखाई, लेकिन जमील हम सलमान भी हमारे साथ लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं। सलमान, अगर मेरठ की बात की जाए तो अब शाम हो चुका है, मेरठ में क्या कुछ यहां पर रौनक देखने को मिल रही दीपावली की? मैं आपको बता दूं और शहर पूरा जो है वो जगमगा रहा है, और आपको सबसे बड़ी बात जो है बता दूं कि जो मेरठ जो है वो रावण की ससुराल है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो कोतवाली थाना क्षेत्र है यहाँ पर रावण की ससुराल थी, और मेरठ रावण की ससुराल होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत हर्ष और उत्साह के साथ दीपावली मनाई जा रही है। लोग बाग दिए जला रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, बम फोड़ रहे हैं और तरीके तरीके के व्यंजन बना के खा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं इस टाइम जो खड़ा हूँ ये जो आबुलन के पास चौराहा है वहां पर खड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर मैं सबसे अच्छी बात जो है ये बता दूं कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता के साथ लोग आते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिला भी है जो देखिए मेले में आई हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जगमगा रहा है, क्योंकि मेरठ जो है मेरठ अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो यहाँ पर एक साथ मनाए जाते हैं, भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ है जी भैया हैप्पी दिवाली, मेले का मजा लेना है आप, देखिए ये दिवाली पे भी आते हैं लोग मुस्लिम होने के बावजूद भी मजा लेते हैं दिवाली का। मैम बताइए क्या क्या खाया आपने? तो हिंदू मुस्लिम की तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब त्यौहार मिला के करते हैं जी। देखिए हमसे बात करने के लिए हमारे भाई हैं, बताइए जी दीपावली पर कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पे मेला घूमना है? देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रही है, बिल्कुल सलमान यहाँ पर मेरठ में भी रौनक देखने को मिल रही है। जमील फरमान आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, शहर शहर रौनक देखने को मिल रही है, अब दिए जलाए जा रहे हैं, रोशनी से शहरों को रोशन किया जा रहा है, आप सभी का हम तक इनपुट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आरती